पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चाकुलिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को चाकू घोंप दिया। घटना चाकुलिया के समीप जंगल में घटी, जहां कुछ अनजान लोगों ने आकर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। जख्मी प्रफुल्ल सिंह उम्र 26 वर्ष ने बताया कि उसे बुरी तरह से चाकू व लोहे की रोड से मारकर जख्मी कर दिया गया। ये घटना हुई, ये घटना मतलब किस तरह हुई, क्या कोई कारण? कारण तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को जब बोला गया, हम लोग को जब पता चला कि इस तरह घटना हुआ, तब हम लोग घर से बैठ इनके पास आए। जब देखें तो ये पड़ा हुआ था और पूरा ब्लड बहा हुआ था और ये अपना होश में नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग आए, और आदमी था, पकड़ के सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद फिर हॉस्पिटल रेफर ले गए, वहाँ से फिर रेफर किया और नीलम में ले गए। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है। ये जो धनंजय सिंह, इनका नाम है? नहीं, धनंजय सिंह उनके पिताजी के नाम हुए। इनका नाम क्या है? प्रफुल्ल सिंह। प्रफुल्ल सिंह, इसका आपसी दुश्मनी किसी के साथ? ऐसा तो कोई आपसी दुश्मनी नहीं था। आकस्मिक कुछ ऐसी नहीं, किसी के साथ तो ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि उस जगह से कुछ ही दूरी पर बैल बकरी चरा रहे थे। उन्होंने जैसे आवाज चीख पुकार सुनी, तब उधर से सभी वहां पहुंचे। तब तक गांव वालों को देखकर अपराधी भाग निकले, जिसके बाद घायल ने घटनास्थल से ग्रामीणों को फोन किया और कुछ उसके घर वाले आए और उसे नीलम नर्सिंग होम चिकित्सा ले गए। मौके पर पिंडराजोरा थाना प्रभारी सुदामा चौधरी एवं इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पिंडराजोरा से सुमन पांडे की रिपोर्ट।